हाउ मच यू कैन स्कोर के, एंड सब बच्चों के दिमाग में यही बात रहती है कि क्रैश कोर्स करेंगे तो कितना स्कोर कर पाएंगे हमके, एंड जब क्रैश कोर्स में मैं यदि जाता हूं तो सर मैं कितना स्कोर कर पाऊंगा, ईमानदारी से बोलना, मार्केटिंग वाली भाषा मत बोलना। हर बच्चा यही चाहता है कि है ना सर आप ईमानदारी से बताइए कितना स्कोर। मैंने कहा ना बेटा क्रैश कोर्स का कंटेंट 100% सिलेबस कवर करेगा, तुम कोई लेक्चर मिस मत करना, दोनों थ्योरी के लेक्चर देखना, दोनों एमसीक्यू के लेक्चर देखना, चारों डीपीएस लगाना, शाम को मॉक टेस्ट लगाना, संडे का जो सैटरडे का जो आपका ऑल इंडिया टेस्ट होगा वो मिस मत करना, संडे को जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट मिलेगा तुम्हारे सेल्फ प्रैक्टिस के लिए पूरा पेपर मिलेगा तुमको, ओएमआर शीट मिलेगी वो तुमको सॉल्व करना है, ठीक है ना, क्लियर। ओएमआर शीट तुमको मिलेगी, तुम्हें को ओएमआर शीट जो है वो अब देखो ओएमआर चेक, मैंने बहुत सॉल्यूशन ढूंढे कि ओएमआर को चेक कैसे कर सकते हैं, पर ऑनलाइन में बड़ा दिक्कत हो रहा है ओएमआर चेक करने का, यदि मैं आपसे मंगा भी लेता हूं शीट तो उसको आने में टाइम लगेगा, बहुत लंबा समय लगेगा, तो हम लोग कोई ना कोई उपाय ढूंढ रहे हैं, मैं बताऊंगा कि क्या उपाय कर सकते हैं इसका हम लोग, ठीक है। पर ईमानदारी ये कि देखो तुमको खुद ईमानदार रहना है, मेरी बात, मेरे बच्चे हो तुम ऑनेस्ट तो हो तुम, ठीक है, ईमानदार तो तुम हो, ठीक है, तो ईमानदारी ये रखना है बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनो कि संडे को जो आपका ऑफलाइन मॉक टेस्ट जो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से 200 क्वेश्चन का उसमें चुनने का ऑप्शन होता है वो आपको अपलोड होता है सिस्टम पे, आपके आपके ऐप और आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर और वेबसाइट पे आता है, आप उस पेपर का प्रिंटआउट निकालिए, उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ा, प्रिंटआउट निकालिए और देखिए मत पेपर को, ये ईमानदारी रखना, देखना नहीं पेपर को, 2 बजे अपने घर में बैठिए 2 से 5 पेपर को लगाइए, ओएमआर शीट को भरिए, नेक्स्ट डे जब आपका आंसर शीट रिलीज होगी ओएमआर शीट को आप चेक कीजिए, खुद चेक कीजिए ईमानदारी से, और एक कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा कि अपना स्कोर बताओ, वहां पे ऑनेस्टली स्कोर बताना है, अरे तुम्हारे 720 में से 120 आ रहे हैं तो बेटा 120 बताना, ये ईमानदारी, ये सोचना कि हम जो है वो अपने आप से एकदम ऑनेस्ट होकर बताएंगे, यदि तुम्हारे 720 में 700 आ रहे हैं तो वो भी बताना, झूठ मत बोलना, अपने आप से झूठ मत बोलना, खुद को कोई गफलत में मत रखना, तो तुमको फिर हम बताएंगे भी क्या और कर सकते हैं, हम कोई सेशन लेंगे लाइव बताएंगे बेटा तुम्हारा स्कोर सबका कम आ रहा है इसको ऐसे करना चाहिए, तो ईमानदारी से हमको इतना ऑनेस्टी रखना पड़ेगा, देखो बेटा ऑनलाइन में अब मैं तो डायरेक्ट अवेलेबल हूं नहीं हूं तो इतनी ऑनेस्टी हमको बरतनी पड़ेगी, है ना, करोगे पक्का, कितना कर लेंगे आप, मैं कह रहा हूं बेटा दावे के साथ कह रहा हूं आपसे, आप कोई क्रैश कोर्स की क्लास मिस मत करना, क्लास में आने के पहले कंसर्न चैप्टर का आपको शेड्यूल मिलेगा, पूरा शेड्यूल मिलेगा, आप उस कंसर्न चैप्टर्स का आप एनसीईआरटी वाला पोर्शन पढ़कर आना, ठीक है, एक बार रीडिंग चाहे वो अच्छे समझ में आए चाहे ना आए पढ़कर आना, फिर सर जो थ्योरी की क्लास लेंगे उसको पढ़ना, और कोई हिस्सा ऐसा है जहां पे तुम्हें दिक्कत जा रही है उसमें, ठीक है, तो उस हिस्से को दोबारा देखना, उसको एनसीईआरटी में देखना दोबारा लेक्चर का वो हिस्सा देखना, ठीक है, डीपीएस लगाना, डीपीएस पहली बार लगाया मान लो 50 क्वेश्चन डीपीएस में थे 30 सही किए 20 गलत किए, एक बार डीपीएस और लगाना, ठीक है, उसके बाद शाम को 7 बजे मॉक टेस्ट लगाना, जब आप एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार लगाएंगे ना तो वो आपके दिमाग में छप जाएगा, आप गलती नहीं करेंगे एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि अभी तक का जो हमारा अनुभव है वो है कि 80% क्वेश्चन एज इट इज सेम सब सेम टू सेम उठ के एग्जाम में आया, 80% क्वेश्चन एज इट इज सेम टू सेम एग्जाम में आया है, ठीक है, समझ गए ना आप, और रिमेनिंग 20% उस तरह के क्वेश्चन से ड्राइव होकर आया है, तो इसलिए टीचर्स को मैंने साफ साफ बोला है कि बहुत ध्यान रखकर क्वेश्चन चुनना, आप लोग जो एग्जाम में आए ऐसे क्वेश्चन चुनना, ठीक है, बायो में सारा कुछ मैं सारे क्वेश्चंस का चुनाव मेरा है, सारा का सारा जो है वो की नोट्स मेरा है, सब कुछ मैं मेरे गाइडेंस से पूरा का पूरा होगा बेटा, ठीक है, चिंता मत कीजिए उसको, ठीक है, तो आप कितना स्कोर कर सकते हैं, आप स्कोर कर सकते हैं 600+ मार्क्स जस्ट ड्यू टू क्रैश कोर्स, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा बेटा।